रहकर भी जो सियासी हलकों में भूचाल ला दे वो नाम है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। लालू भले ही जेल में है लेकिन कथित तौर पर बीजेपी विधायकों को उनके फोन कॉल ने बिहार में सियासी पारा बढ़ा दिया है। पहले बीजेपी विधायक ललन पासवान ने दावा किया कि लालू ने फोन कर महागठबंधन में शामिल होने को कहा, लेकिन अब इसी क्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी लालू प्रसाद यादव पर फोन कर समर्थन मांगने का आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि लालू यादव मुझसे भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। लालू जी मेरे लोगों को बार बार फोन कर हमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव के सेवादार को लेकर सवाल उठाया है। नीरज कुमार ने पूछा है कि जेल के बाहर के लोग को लालू यादव का सेवादार कैसे नियुक्त किया गया। वहीं झारखंड सरकार से भी उन्होंने इसे लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जेल आईजी ने जांच के आदेश दिए थे, उस जांच का क्या हुआ। नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष को आदतन अपराधी बताते हुए तिहाड़ जेल भेजने की मांग की है। दूसरी ओर इस कथित ऑडियो मामले में फंसे लालू यादव के बचाव में महागठबंधन के नेता उतर आए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि मैंने भी सुना है लेकिन ये तो उनकी आवाज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी अब उप मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए शगुफा छोड़ रहे हैं। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सैनी ने यह कहकर चौंका दिया कि जेल से लालू प्रसाद की बातचीत का वीडियो भी है, वीडियो पाने की हम कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि एक दिन पहले सुशील मोदी ने ट्वीट कर लालू यादव पर जेल से फोन उठाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने लालू को फोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव किया और उसमें लालू प्रसाद यादव की आवाज थी, जिसके बाद ये गंदा खेल नहीं खेलने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक ललन पासवान और लालू प्रसाद यादव के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो भी जारी किया था, जिसमें लालू यादव ललन पासवान को स्पीकर पद की वोटिंग से अलग रहने को कह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।